सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन इंटरनेशनल स्टूडेंट की कि क्या वो 40 घंटे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या मेरा भाई जो है वो 40 घंटे कर सकता है कि नहीं कर सकता, जो नई पॉलिसी इन्होंने लेके आए हैं जो एक साल हम 40 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और मेरे अंदर भी डाउट्स थे, मैंने इमिग्रेशन मिनिस्टर से पूछा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। फिर जाके मुझे पता लगा, सॉरी इमिग्रेशन मिनिस्टर नहीं, इमिग्रेशन लॉयर से पूछा, इमिग्रेशन मिनिस्टर कहाँ पे हमें रिप्लाई दे देंगे भैया। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर 20 आवर्स प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस आई हैं। मैं उन कंडीशंस के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिए और जरूर कमेंट डाउन करके बताइए कि क्या आपको ये कंडीशन अच्छी लगी, क्या ये कंडीशन के लिए आप एलिजिबल हो भी हो कि नहीं हो। चलो हम स्टार्ट करते। तो भैया सबसे पहली कंडीशन इन्होंने ये रखी है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, जो कि मेरा भाई है, राइट। लेकिन सेकंड कंडीशन इन्होंने ये रखी है कि 7 अक्टूबर से पहले इन आईआरसीसी वालों के पास आपकी जो है स्टडी परमिट या स्टडी परमिट एक्सटेंशन पहुंच जाना चाहिए। अगर स्टडी परमिट और स्टडी परमिट एक्सटेंशन नहीं पहुंचता उनके पास तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल मेरे भाई ने अपना एक्सटेंशन फाइल नहीं किया है जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं है, बट जब तक उसकी पढ़ाई चल रही है तब तक वो एलिजिबल है 40 आवर्स काम करने के लिए। बट अभी क्या है, उसका कोव चल रहा है, इसके वजह से वो 40 आवर्स वैसे भी कर सकता है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब कंडीशन ये है कि गाइस अगर आपने 7th अक्टूबर से पहले अपनी स्टडी परमिट फाइल की है और स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल की है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क फॉर 1 ईयर एज अ फुल टाइमर, राइट। तब आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वो सबमिट नहीं किया देन यू विल नॉट एबल टू वर्क फॉर 40 आवर्स, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।